हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठहर सिबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 की जो एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.2, जिसमें हम आपके लिए छठा प्रश्न बता रहे थे। तो छठा प्रश्न का अब जो मैं आपके लिए पार्ट बताने वाला हूँ वो चौथा पार्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि तीन पार्ट तक मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए करा दिया है। तो चौथा पार्ट हम आपके लिए बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चौथा। देखिए क्या है, मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। भाड़ा मतलब किराया। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है। अब मान लो एक फिक्स किराया है, हम लिखे हैं यहाँ पर एक नियत, नियत का मतलब एक लगातार बढ़ने वाला, एक नियत किराया, किराया। तो एक जो फिक्स किराया है वो तो हमें मानना है एक्स, वो हमें एक्स मानना है। और हम इसी तरीके से 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये और बढ़ाते जा रहे हैं। तो दूसरा हमने मान लिया, जो दूसरा किराया है, दूसरा किराया वो कितना है, ये तो फिक्स किराया है, नियत किराया है, और ये वाला जो दूसरा किराया चलेगा वो वाई चलेगा। ठीक है, तो यहां पर एक्स तो इसके लिए बिल्कुल फिक्स है, प्लस 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो एक्स प्लस 10 वाई बराबर में हो जाएगा आपके लिए 105। ये समीकरण नंबर एक हो गई। इसी तरीके से अगला 15 किलोमीटर चल रहे हैं, तो एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई और बराबर में हो जाएगा 155, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए दो समीकरण बनी हुई हैं, और दोनों समीकरण के लिए क्या करना है, आपके लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि आपको सिखाया है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। देखिए क्या है, समीकरण नंबर एक है ये, और ये है समीकरण नंबर दो। तो लिखेंगे यहां पर, देखिए ध्यान से, समीकरण एक से, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से लिखेंगे x प्लस 10 वाई बराबर में 105। तो यहां पर x का मान निकाल लेंगे या y का मान भी निकाल सकते हैं, तो हम जाहिर सी बात है यहां पर x का मान निकालेंगे। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 वाई, ये हो गया x का मान। अब ये x का मान जो है समीकरण नंबर दो में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर, अब समीकरण है जो x, x का मान है वो समीकरण नंबर दो में रख देंगे, यानी x का मान हो जाएगा ये 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई, ये 15 बाई है, और बराबर में 155, ये हो गया आपके लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 105 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और यहाँ पर देखिए 155 है, तो मैं इधर ले आता हूँ, 155 माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 15 बाई में से 10 बाई चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास प्लस का 5 बाई, और बराबर में हो जाएगा आपके लिए 0। अब इसको यहाँ पर आप घटा लीजिए, देखो 155 माइनस 105, ये इस तरीके से यहाँ पर घटा देंगे, तो 0, 5 और यहाँ पर ये 0, तो आपके लिए यहाँ पर 50 आ गया, और प्लस का 5y और बराबर में आपके लिए आ गया 0। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ज़्यादा नंबर 155 है, तो इस तरीके से लिख लेंगे 5y बराबर में, ये 50 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का 50, यानी 5y बराबर में 50 हो गया, 5y बराबर 50 हो गया बेटा। तो y का मान निकाल लो, y बराबर हो जाएगा 50 और बटे में हो गया 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर दशमलव में ये कट जाएगा 10 बार में, तो y बराबर आपके लिए आ गया 10। अगर ये y का मान 10 आ गया है, तो आपके लिए सिंपली क्या करना है, y का मान 10 है, तो y का मान हम समीकरण में रख देंगे, समीकरण नंबर एक में, तो भाई हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर,
एक में रखने पर, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देंगे, यहां पर लिखा है x प्लस 10 गुणे बाई का मान 10 बराबर में 105, तो हो जाएगा x प्लस 10 की गुणा 10 से 100 हो जाएगी बराबर में 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस का 100, तो ये हो जाएगा। तो हम x निकालेंगे यहाँ पर, 105 में से 100 चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा आपके लिए 5, तो x का मान आ गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा दो मान आए, ये तो एक तो x का मान 5 आया है और y का मान आया है 10, तो यही हमारी वैल्यू जाएंगी और यही हमारे इसके लिए जो है किराया हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये प्रश्न छठे का चौथा पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम छठे के पांचवें पार्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, तो हमारा यहाँ पर जो है पांचवा पार्ट है, छठे का पांचवा पार्ट क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। अब आप एक भिन्न मान के चलिए और भिन्न क्या होगी यहां पर, x बटे बाई, जिसमें x अंश है और बाई हर है, ये है। अब आपके लिए क्या करना है, उसमें दो जोड़ दिया जाता है, अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है, तो हम लिखेंगे अंश में दो जोड़ दिया और हर में भी दो जोड़ दिया, तो ये जो भिन्न है वो हो जाती है 9/11, 9/11 हो जाती है भिन्न। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जरा थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, तो 11 की गुणा एक्स प्लस 2 से और 9 की गुणा वाई प्लस 2 से, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y और प्लस 9 दूनी 18, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 11x तो ऐसे ही रहा, 9y को इधर ले आए माइनस का 9y और बराबर में 18 और 22 उधर चला जाएगा माइनस का 22, तो 11x माइनस का 9y बराबर में, यहाँ पर आपके लिए माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये एक समीकरण बन गई यहाँ पर 11x माइनस 9y बराबर में माइनस 4। अब बात करते हैं दूसरी की, लिखा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में अब 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 बटे में y प्लस 3 बराबर में, तब जो भिन्न हो जाती है वो 5/6 हो जाती है, यानी हमने लिख दिया 5/6, ये भिन्न हो गई जब दोनों अंश और हर में 3 जोड़ा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 की गुणा करेंगे x प्लस 3 से और 5 की गुणा करेंगे y प्लस 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 6 3 18, यहाँ आ जाएगा 5y प्लस का 5 3 15, तो 6x 5y को ले आएंगे माइनस का 5y बराबर 15, 18 उधर चला जाएगा माइनस का 18 हो गया, तो 6x माइनस का 5y बराबर में 18 में से 15 गया माइनस का 3, तो समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, तो इन दोनों समीकरणों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास समीकरण एक से है, इससे एक्स का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, देखिए ध्यान से, 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4 दिया गया, तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और 9y उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 9y, x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y और बटे में हो जाएगा आपके लिए 11, ये आ गया। ये x का जो मान आया है वो समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे, तभी हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास दूसरी समीकरण ये है 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3, इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं, 6 गुणे x का मान है माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11 माइनस 5y बराबर में माइनस का 3, ये है। अब गुणा करा देंगे अंदर ही अंदर, 6 चौकू 24 माइनस का 24 प्लस का यहाँ पर 9 की गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा आपके लिए 54 और y बटे में आ गया आपके लिए 11 और माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3, ठीक है।
अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे 11, तो इधर गुणा कर जाएगा, माइनस का 24 प्लस 54 बाई, ये 11 से 5 की होगी, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 55 बाई और बटे में 11 बराबर में माइनस का 3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, इनको घटा लेते हैं, पहले माइनस का 24 और ये 54 है, 55 है, एक बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस का 22 और बटे में 11 बराबर में माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके नीचे एक मान करके, तो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 22 बराबर में 11 तिया 33, माइनस का 33 हो गया, तो माइनस का 22 बराबर लिखेंगे तो माइनस का 33 और ये 24 उधर चला जाएगा प्लस का, तो माइनस का 22 बराबर 33 में से यहाँ पर आप 24 घटा देंगे इस तरीके से, तो 13 में से 4 गए, यहाँ पर 9 बचा और आपके लिए यहाँ पर 2 बचा, 9 ही बचेगा, तो वो भी माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 22 बराबर आ जाएगा 9, यानी 22 का मान हमारे पास 9 आ चुका है, और x का मान निकालने के लिए हमें समीकरण में रखना पड़ेगा पहली समीकरण में, तो इस तरीके से यहाँ पर पहली समीकरण में मान रखेंगे। देखिये स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में यहाँ पर आपके लिए y का मान जो आया आपके लिए 9 आया है, ठीक है। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तभी हमें x का मान मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11x माइनस 9 गुणे y का मान है हमारे पास 9 बराबर में माइनस का 4, तो 11x और 9 की गुणा 9 से हो जाएगी तो 81 हो जाएगा, माइनस का 81 बराबर में माइनस का 4, तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 81 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x बराबर 81 में से यहाँ पर आप 4 घटा देंगे तो 11 में से 4 गया 7 और ये 7 77 आ जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर 77 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 77 बटे में 11, 11 से 7 बार में कट जाएगा ये, और x का मान हमारे पास आ गया है 7, ठीक है, तो x का मान 7 आ गया। इस तरीके से देखिए ये प्रश्न नंबर जो 6 का पांचवा पार्ट था वो आपके लिए पूरा हो चुका है, और अब हम बताएंगे लास्ट पार्ट इसका, छठा पार्ट, और ये एक्सरसाइज भी फिर आपके लिए फिनिश हो जाएगी, तो यहां पर हम छठा पार्ट आपके लिए बताते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर छठा पार्ट है और छठा पार्ट को हम यहां पर बताते हैं आपके लिए, क्या है पढ़ के बता देते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो ध्यान से सुनना, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, यहां पर 2 है, जैकब है एक और जैकब का पुत्र, तो 2 लोग हैं यहां पर, 2 की बात की जा रही है, एक तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी कह रहे हैं। अगर ये ऐसी बात है तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको यहां पर इसी हिसाब से वाई मान लूं इन दोनों की आयु को, और वो कह रहे हैं कि एक की 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब हुआ एक्स बराबर 3 वाई, यानी एक्स का मान 3 वाई रखा जाएगा। दूसरा है एक्स माइनस 3 वाई आ जाएगा इनका अंतर। उसके बाद कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष यहां पर अगर बात करेंगे पहले की, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी, यानी इसका इसमें 7 गुना आ जाएगा, यानी x बराबर 7 बाई। तो इन समीकरण को कुल मिलाकर के दोनों जो समीकरण बनेगी वो पहली समीकरण ये बनेगी, x माइनस 3 बाई और माइनस का 10 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 1 बनेगी। दूसरी बनेगी x माइनस 7 बाई और बराबर में आपके लिए बनेगा, यहां पर 10 है माइनस का 10 और यहां पर लिख दीजिए प्लस का 30 और बराबर में 0। अब देखिए यहां पर 2 समीकरण है हमारे पास, इस तरीके से दोनों के समीकरण बन जाएंगी और इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेथड अपनाते हैं वही यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x माइनस 3 बाई माइनस 10 बराबर 0, यानी x माइनस 3 बाई बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 बाई, ये x का मान समीकरण नंबर दूसरी में रख देंगे, तो x का मान है 10 प्लस 3 बाई
माइनस का 7y प्लस का 30 बराबर 0। तो देखिए 10 प्लस 7 में से 3 गया यहाँ पर, तो माइनस का 4y आ जाएगा और प्लस का 30 बराबर 0। तो माइनस का 4y और 30 और 10 40 हो गया, तो बराबर में उधर चला जाएगा माइनस का 40। तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 40 बटे में 4 और ये 10 बार में कट जाएगा, यानी y का मान आ गया यहाँ पर हमारे लिए 10। और ये y का मान समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे तो x माइनस 3 गुणे y का मान 10 से माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 10 या 30 माइनस 10 बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर हो गया आपके लिए 40। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज निकल आई हैं, x का मान 40 आया है और y का मान यहाँ पर आपके लिए 10 आया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक्सरसाइज 3.2 थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और जितने भी पार्ट थे वो आपके लिए पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।